हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी सभी चीज़ें क्लियर हो जाए, लेवल्स बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाए जो आपको कब ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट था जो आपको प्रॉपरली रिटेन में जो है एंट्री और स्टॉप लॉस चाहिए था, तो आज से मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा। तो आप पहले यहां पे वीडियो देख लेना, उसके बाद जाके आप जो है वहां से लेवल्स को नोट डाउन कर लेना। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है आपको कोटक बैंक। कोटक बैंक को अगर हम लोग देखेंगे डेली चार्ट पे देखेंगे, तो स्टॉक में जो है आपको एक अच्छे रिट्रेसमेंट के बाद जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफी अच्छा एक फॉल हुआ था। फॉल होने के बाद नीचे के लेवल से स्लो एंड स्टडी स्टॉक जो है अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। वापस से जो है यहाँ पे प्रीवियस थ्री ट्रेडिंग सेशन से रिट्रेसमेंट मोड आपको था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। नीचे के लेवल से एक लोअर वीक रिजेक्शन कंटिन्यूसली हम लोगों को लास्ट के थ्री ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए इस स्टॉक में अगर ऊपर की साइड 1850 के लेवल के ऊपर निकलता है तो वापस से हम लोगों को इस स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फॉर्मेशन भी अगर हम लोग देखेंगे तो हायर है, हायर लो का वही फॉर्मेशन अभी भी चल रहा है। तो बिल्कुल बेस पे जो है आपको यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्म हुआ है। साथ ही साथ प्रीवियस थ्री ट्रेडिंग सेशन से आपको यहाँ पे लोअर वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अगर एक बार 1850 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे जो है वापस से हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। बाई हम लोग कब करेंगे? 1850 के लेवल के ऊपर। वापस से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 1850 के लेवल के ऊपर निकलते ही इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 1840 का। आपको एंट्री लेना है 1850 के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस होने वाला है 1840 के नीचे। सेकंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगेन अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे तो इस स्टॉक में जो है एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, एक अच्छा जो है यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिया था। लास्ट फ्राइडे के सेशन में इस स्टॉक ने काफी अच्छा यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। अगर वीकली बेसिस पे भी हम लोग बात करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक जो है काफी स्ट्रांग यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा था। वीकली बेसिस पे जो है आपको इसने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया था। मैं क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ, ऑल टाइम हाई की नहीं बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग बेसिस पे लास्ट वीक में ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ने यहाँ पे क्लोज किया था। आज का सेशन में अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेली चार्ट में तो एक हॉल्ट कैंडल हम लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब जैसे ही इसके ऊपर निकलता है वापस से जो है हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे बाई साइड के लिए ही रखेंगे। तो 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं जो इस स्टॉक को हम लोग कब बाई करेंगे। तो इस स्टॉक को हम लोग बाई करने वाले हैं 842 के लेवल के ऊपर। आज का हाई है 842 का। आज के हाई के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। 842.2 के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 835 का। तो 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट आपका पहला रहेगा 850, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 860। थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड स्टॉक है आपको एक्सिस बैंक। वंस अगेन अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर ब्रॉडर व्यू में हम लोग इस स्टॉक को देखेंगे तो एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग क्लियरली देखेंगे तो स्टॉक ऊपर की साइड आपको 800, 810 के अराउंड, 815 के अराउंड असिस्टेंस ले रहा है। नीचे की साइड अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 650, 620 के रेंज में आपको यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अभी करेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो इन बिटवीन स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा है। फाइनली एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जो है स्टॉक में ऊपर की साइड एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इमीडिएट रेसिस्टेंस देखेंगे तो 800, 815 का चैनल है यहाँ पे कि आपको अपर बैंड है चैनल का। उस लेवल तक स्टॉक जो है इजीली यहाँ पे अपने रैली को एक्सटेंड कर सकता है। तो इसी वजह से जो है हम लोग इस स्टॉक को भी यहाँ पे बाई करेंगे। तो 5 मिनट के चार्ट में हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ने काफी अच्छा एक आपको रेंज बनाया है
और उसी रेंज में जो है यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 11 एएम के बाद कंटिन्यूसली उसी रेंज में ट्रेड किया है। ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो 647 का है और नीचे की साइड अगर हम लोग देखेंगे तो सॉरी ऊपर की साइड 747 का रेंज है और नीचे की साइड 740 का है। इसी रेंज में जो है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आज इसने अपना टाइम स्पेंड किया है। तो कल अगर ये लेवल ब्रेक होता है 747 के ऊपर निकलते ही इमीडिएटली जो है हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ने जो है अपने अपर चैनल के अराउंड ही यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिया है। तो 747 के ऊपर निकलते ही इमीडिएटली हम लोग बाई करेंगे। नीचे की साइड 740 हम लोगों का यहाँ पे एसएल होने वाला है। टारगेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो पहला टारगेट यहाँ पे आपका होने वाला है 755 का और दूसरा टारगेट यहाँ पे आपका होने वाला है 762 का। फोर्थ स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ स्टॉक है आपको चोला फाइनेंस। वंस अगेन इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो ये स्टॉक भी वीकली बेसिस पे लास्ट वीक में जो है अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया था। काफी अच्छा जो है इस स्टॉक में हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला था और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कंसोलिडेशन के रेंज से स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 700 के लेवल के नीचे और वापस से कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो वंस अगेन अगर डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे तो आज भी जो है स्टॉक 775 के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश किया है। इस स्टॉक में भी हम लोग यहाँ पे बाई पोजीशन के लिए ही देखेंगे तो अगर देखेंगे तो लास्ट के कैंडल में बिल्कुल जो है यहाँ पे हम लोगों को एक ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर इस कैंडल को हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है मोर देन हाफ ऑफ द टाइम आपको एक रेंज में था, फाइनली इस रेंज को ब्रेक करके इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। तो कल हम लोग इमीडिएटली जो है आपको बाई करेंगे। 780 के ऊपर निकलते ही इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे आपको बाई करने वाले हैं इस स्टॉक को। नीचे की साइड जो हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है, नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 773 का। तो यहाँ पे 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। पहला टारगेट रहेगा 787 का, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे हम लोगों का 795 का। लास्ट स्टॉक है एलएनटी। एलएनटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे भी हम लोगों को जो है एक अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नीचे के लेवल से इस स्टॉक में भी क्लियरली हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो आपको स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड स्टॉक जो है कंटिन्यूसली एक हायर लो का फॉर्मेशन जो है करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे प्रीवियस 6 to 7 ट्रेडिंग सेशन से एक रिट्रेसमेंट मोड में था स्टॉक, फाइनली जो है आज यहाँ पे अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। काफी अच्छा लेवल देखने को मिल रहा है 1800 के लेवल के ऊपर जो है यहाँ पे आपको सस्टेन किया है। तो स्टॉक जो है काफी अच्छे मोमेंटम में यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो 5 मिनट के चार्ट में हम लोग इस स्टॉक को भी यहाँ पे आपको बाई करेंगे। बाई यहाँ पे हम लोग कब करेंगे, एक रेंज बनाया है, इस रेंज के ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ पे आपको बाई करेंगे। ऊपर की साइड 1832 के ऊपर निकलते ही इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 1822 का। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। पहला टारगेट रहेगा 1842 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1852 का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेवल्स आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। अगर नहीं नोट डाउन किया है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में लेवल्स मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको लेवल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।